दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप में आप किस तरह से स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में स्टेटस को हाइड करने की या स्टेटस की प्राइवेसी को लेकर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और आप इनको किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों व्हाट्सएप के स्टेटस में अपडेट आ चुका है, आप जिस तरह से चाहें अपने स्टेटस को कस्टमाइज कर सकते हैं, स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें अपने फोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर स्टेटस पर आना है। दोस्तों यहाँ से हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस की सेटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेंगे, आपको 3 डॉट पर टच करना है। यहाँ पर आपको स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्टेटस प्राइवेसी पर आना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सेटिंग देखने को मिलेंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन 3 सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप इन 3 सेटिंग को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली सेटिंग हमें मिलती है माई कॉन्टेक्ट्स की। दोस्तों अगर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो हम अपने व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस लगाएंगे, हमारे फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे, यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट हमारे व्हाट्सएप में है, उन सभी को हमारा स्टेटस शो होगा। दोस्तों उसके बाद हमें दूसरी सेटिंग मिलती है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट की। दोस्तों हम यहाँ पर टच करेंगे। दोस्तों यहाँ पर टच करने के बाद आपके सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि आप इस सेटिंग को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर यहां पर हाइड स्टेटस फ्रॉम आ रहा होगा और यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर आपके 2, 4, 6, 10 लोग हैं जिनको आपको अपना स्टेटस दिखाना है तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप यहां पर टिक कर देंगे। यहां पर टिक करने के बाद आपके सारे रेड हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको जिसको भी स्टेटस दिखाना है, आप यहां पर सर्च पर टच करिए। मान लीजिए मुझे शिवम मिश्रा को स्टेटस दिखाना है तो दोस्तों मैं यहां से टिक हटा दूंगा। इसी तरह से जितने लोगों को आपको स्टेटस अपना शो करना है आपको उनके आगे से ये टिक हटा के और यहां पर आपको ओके कर देना है। इसको करने के बाद अब आप जो भी स्टेटस लगाएंगे, जिन लोगों के आपने टिक हटा दिए हैं, सिर्फ उन लोगों को आपका स्टेटस शो होगा। लास्ट सेटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है ओनली शेयर विद, एक बार हम इस पर टच करके देखते हैं। दोस्तों यहां पर भी सेम वही है, यहां पर भी हम इस तरह से टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर टिक किया ये सारे ग्रीन हो गए। दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे किसी को स्टेटस नहीं दिखाना, मान लीजिए मुझे शिवम मिश्रा को स्टेटस नहीं दिखाना है तो मुझे यहाँ पर टिक करना होगा, मुझे इसके आगे अनटिक करना होगा और फिर मैं यहाँ से ओके करूंगा, तभी मेरा स्टेटस उस कॉन्टेक्ट को नहीं दिखेगा, बाकी सबको दिखाई देगा। दोस्तों ये था व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की।